नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया आई वुड लाइक टू वेलकम यू आप सबका स्वागत है मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एम डी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन माई व्हाट्सएप नंबर इज नाइन टू टू सिक्स एट वन जीरो सिक्स थ्री जीरो माई डियर फ्रेंड्स मेरे प्यारे दोस्तों आयुर्वेद एकेडमी सिर्फ मैं अकेले नहीं चलाता हमारे साथ एक, League, एक दस बारह डॉक्टर्स हैं जो हर एक डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में स्पेशलिस्ट है जैसे कि आयुर्वेदिक गेनिकोलॉजिस्ट आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन आयुर्वेदिक फिजिशियन आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट एवरीबडी इज देयर टू हेल्प मी एंड वी वर्क टूगेदर सो यू कैन व्हाट्सएप मी एंड टेक द हेल्प फॉर एनी टाइप ऑफ द डिसीज टूडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द अनदर आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंट ड्रग विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमालय कंपनी एंड दिस इज द बेस्ट ड्रग

और खाने पीने में तो परहेज बिल्कुल नहीं रखते जैसे चाहे वैसे खा लेते हैं कभी भी खा लेते हैं तो इसी वजह से हमारी खानपान की आदत खानपान में वो जो पदार्थ है हाई है, हाई कैलोरी डाइट होता फैटी डाइट होता है वो हजम नहीं करते बैठे बैठे रहते हैं व्यायाम नहीं करते तो इसी के कारण ये डायबिटीज हो या हार्ट डिजीज हो या और कुछ ब्लड प्रेशर की शिकायत हो किडनी की बीमारी हो बहुत सारे डिसीजेस या भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोला गया है मतलब जीवन शैली गलत जीवन शैली से होने वाली ये सब बीमारियां हैं। एस्पेशियली डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं बच्चों वाले मतलब 10 से 15 उम्र में जो होता है उसको डायबिटीज जुवेनल डायबिटीज बोलते हैं वो तो कंपल्सरी आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा उसमें ये डायबिकॉन ज्यादा मदद नहीं करेगा फिलहाल जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज हैं जिसको डायबिटीज टाइप 2 बोलते हैं डायबिटीज 2 मतलब 40 के बाद हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और गलत खाने से जो डायबिटीज होता है जिसमें क्या हो जाता है जो हमारा शरीर में उसमें बीटा बीटा सेल्स सेल्स रहता है, ऑफ उसको बोलते हैं और उस सेल में ये इंसुलिन सिक्रिट किया जाता है और हमारी जो रक्त में शर्करा है वो सेल में जाने के लिए ये इंसुलिन हार्मोन मदद करता है अभी क्या है कि इंसुलिन हार्मोन से तो अंदर जाने की कोशिश करेगा फिराल सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं वो रिसेप्टर की संख्या कम हो सकती है इंसुलिन की मात्रा कम स... हो सकती है पैनक्रियाज में बीटा सेल्स की कमी हो सकती है तो इन सब में ये डायबिकॉन डीएस नाम की जो तो टैबलेट है वो कैसे काम करती है ये मैं आपके सामने शा, शास्त्रीय तरीके से सब बातें बताने वाला हूं तो मैं आपको विनती करता हूं कि आखिर तक जुड़े रहे और बच... बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको आ, मतलब समझ में आ जाएगी ठीक है डायबिकॉन डीएस ये देखिए हिमालय कंपनी का प्रोडक्ट है ये बेस्ट दवा है डायबिटीज को ब्लड शुगर को रक्त शर्करा को कम करने के लिए दिस इज आयुर्वेदिक टोटली आयुर्वेदिक है और इसमें सब जो कंटेंट है घटक द्रव्य है उसमें एंटी डायबिटिक मतलब डायबिटिक के प्रतिरोध करने वाली आ, कुछ प्रॉपर्टीज या गुण है दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है हम जैसे मैंने कहा था कि पैनक्रियाज पैनक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंसुलिन सिक्रेशन के लिए तो जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रिट करते हैं वो कभी कभार जल्दी थक जाते हैं और कभी कभार वो मर भी जाते हैं तो उनको रीजनरेट करने में बीटा सेल्स का रीजनरेशन हो गया तो अपने आप इंसुलिन भी बढ़ जाएगा शरीर में तो ये स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटी मतलब उत्तेजना देने का काम करती है बीटा सेल्स को और इंसुलिन सिक्रिट करने को ये देखिए इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूं मैं उसमें जो गुगुल है डायबिकॉन डीएस में वो लघु गुण का, का होता है और बेसिकली इट कंट्रोल्स द ओबेसिटी। आप तो जानते हैं कि स्थूलता का और मधुमेह का बहुत नजदीक वाला कनेक्शन है जितना वजन ज्यादा उतना आपको डायबिटीज होने की संभावना और डायबिटीज हो रहा है मतलब है आपको तो वो क्योर करने में ब्लड शुगर कंट्रोल में लाने में ये ओबेसिटी या स्थूलता हर्डल बन सकती है तो एक एक साइड में जैसे अपना वजन भी धीरे धीरे कम करने में यह गुग्गुल काम आ जाएगा शिलाजित एक नाम का द्रव्य है इट्स अ बेस्ट रिज्यूविनेटर हमारी शरीर की ऊर्जा प्रदीप्त करने में काम करता है स्पेशली सेक्सुअल स्टेमिना तो क्या हो जाता है कि जब डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है तो उसका असर हमारे अलग अलग अवयवों पर पड़ जाता है तो जैसे कि हर एक डायबिटिक पेशेंट की एक आ, मतलब शिकायत रहती है कि डॉक्टर मेरे को नपुंसकता की शिकायत है मेरा ईडी का प्रॉब्लम है इलेक्ट्राइट डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है तो ये शिलाजित जो है वो डायबिटीज तो कंट्रोल करेगा ही करेगा फिर उसके साथ साथ जो हमारी जो लिंग की स्नायु होते हैं उनको ताकतवर बनाएगा और हमारी जो थकाट है फटिक बोलते हैं टायर्डनेस है लिथार्जी आलस्य ये सब दूर होकर आपका वजन कम हो जाएगा डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी शिकायत है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी उसके बाद उसमें मेषी श्रृंगी है असन है असन का नाम है विजय सार ये आयुर्वेद के ग्रंथ में मेह हर बताया है मेह प्रमेह का मतलब है कुछ भी यूरिनरी प्रॉब्लम जिसमें एक मधुमेह है जिसमें हमारी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है असन एक रसायन है पूरे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है फिलहाल उसमें बीटर तिक्त रस है कषाय रस है उससे क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में जो ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट क्लेद बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब है कि धातु की जब चयापचय प्रक्रिया होती है सप्त धातु वाले रस रक्त मांस मांसमेद उस चयापचय में जो क्लेद ज्यादा निर्माण होने के कारण ये यूरिन में शुगर आने लगता है तो ये आसन क्या करेगी तो वो कफ और पित्त दोष को बैलेंस करेगी ठीक है उसके बाद यष्टी मधु है यष्टी मधु एक ऐसा काम करता है कि जब भी डायबिटिक पेशेंट को वुंड्स होने की संभावना रहती है और वो कभी कभार नॉन हीलिंग वुंड्स हो जाते हैं तो उसमें रोपण करने की प्रक्रिया ठीक ठाक करने की जो आ, सेप्टिक इन्फेक्शन हो गया है जब वुंड्स में तो ये करेक्ट करने का काम यष्टी मधु करेगी उसके बाद एक जम्बू बीज नाम का घटक द्रव्य है जम्बू बीज भी प्रमेह में बहुत सारा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि उसमें रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आ जाता है और उसके साथ साथ दीपन पाचन का काम करता है उसमें भी कषाय रस होता है कषाय रस के कारण जो एब्सॉर्बन होना चाहिए क्लेद का वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यू मेटाबॉलिज्म में वो कम होने के कारण ब्लड शुगर अपने आप इंसुलिन का स्टिम्युलेशन ज्यादा बढ़ सकता है उसके बाद देखिए शतावरी है शतावरी एक बेस्ट रसायन है मसल्स को ताकतवान बनाती है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ज्यादातर क्या हो जाता है सभी बाकी के अवयवों में उसका इफेक्ट हो जाता है ब्लड शुगर हाइपरग्लाइसेमिया जब हमारी रक्त शर्करा नॉर्मली कितनी होती है एट्टी टू वन वन जीरो मिलीग्राम परसेंट होती है और उसके बाद खाना खाने के बाद जब पोस्ट पेंडियर बोलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 80 से लेकर 140 तक मिलीग्राम uh, परसेंट में होनी चाहिए तो जिसका कंट्रोल में नहीं रहता जैसे कि 200 आपकी हमेशा शुगर रहती है 250 रहती है 300 रहती है कभी कभार इंसुलिन भी लेना पड़ता है तो इसमें हमारे पूरे शरीर की ताकत हर एक अवयव की मतलब रस की ताकत कम होगी एनिमिया हो जाएगा रक्त की मांस की ताकत कम हो जाएगी तो ये शतावरी जो है वह ज्यादातर मांस धातु को पुष्टि देने का काम करती है हमारी थकावट दूर होती है पुनर्नवा क्या करती है नाम नाम कैसे है देखिए पुनर्नव नव का मतलब है न्यू तो पुनर्नवा वनस्पति से हमारी जो बीटा सेल्स है पैनक्रियाज में उसका रीजनरेशन पुनर्निर्माण का कार्य हो सकता है पुनर्नवा के साथ मुंडी है गुडुची है

मंद अग्नि होना इसका अर्थ क्या है हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बहुत कमजोर हो जाती है और पूरी शरीर की प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फैट मेटाबॉलिज्म कौन अवयव किस में ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है तो ये लीवर में होता है जब लीवर इंडस्ट्री है फैक्ट्री हमारी वो अच्छी रहेगी तो सब मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है वो भी चला जाएगा क्योंकि लीवर आपका बहुत स्ट्रांग बन जाएगा भूम्याम लकी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट गंभारी ये देखिए अभी मेष श्रृंगी के बारे में मॉडर्न इसमें भी रिसर्च हुआ है ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है और उसमें रक्त शर्करा कम होने की ताकत है बीटा सेल्स को रिजनरेट करने की ता, ताकत है इससे क्या हो जाएगा हमारी जो शुगर की मांग रहती है मतलब बहुत डायबिटिक पेशेंट को लगता है कि मेरे शुगर चाहिए क्रेविंग होता है शुगर के लिए वो धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं जिसके द्वारा ग्लूकोज एब्सॉर्ब किया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन हो, मतलब हो जाता है, जब खून में ज्यादा शर्करा होती है तो वो ग्लाइकोजेन नाम से स्टोर होती है लीवर में और वो जब जल, जल, जल ग्लाइकोजेन का ज्वलन होता है तो फिलहाल शुगर निर्माण हो जाता है तो ये शिलाजित के द्वारा हमारी जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन रक्त शर्करा ज्यादा है वो कम होने की संभावना है उसके साथ साथ ये प्रोटेक्टिव है बीटा सेल्स ऑफ को संरक्षण देना उसका प्रिवेंट करना ये भी काम शिलाजित करता है तो मेरे प्यारे दोस्तों और एक लास्ट बट नॉट लिस्ट गुरुमार गुडमार बोलते गुड़मार एक बहुत इंपॉर्टेंट जिमनिया नाम की वनस्पति है ऐसे बोलते कि उसके पांच चबाना आपके पांच चबाओ उसके गुड़मार गुड़मार वनस्पति के और बाद में आपने जैगरी भी खा ली तो उसकी टेस्ट आपको स्वीट टेस्ट नहीं लगेगी उसको बोलते हैं गुड़मार तो डायबिटीज गुड मतलब स्वीट और वो मतलब मार मतलब किलर तो ये गुड़मार नाम ऐसे पड़ा है कि डायबिटिक किलर है ये वनस्पति क्या करती है कि गुड़ मतलब शुगर का मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा बनाकर वो बिल्कुल डाइजेस्ट कर देती है और इसको डायबिटिक किलर भी कहा जा सकता है तो इसके इंडिकेशंस क्या है ले सकते हैं तो पहले जिसका है, है जो, मतलब है, वो लोग सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्प्स टू रिड्यूस द डोज ऑफ इंसुलिन कई कबार लोगों को ऐसा लगता है सर हर रोज मेरे को इंसुलिन लेना पड़ता है सोल्यूबल इंसुलिन हो तो तीन चार दफा लेना पड़ता है लेंटे इंसुलिन हो तो भी दो दफा लेना पड़ता है चाहे कौन सी भी हो पर हर रोज प्रिक करना यह बहुत मतलब तकलीफ की बात बहुत सारे लोगों को होती है तो उनको चाहिए कि सर हमारा इंसुलिन मतलब रिक्वायरमेंट कम हो जाए या बंद हो जाए तो उनके लिए डायबिकॉन डीएस आप लगातार तीन महीने तक ले सकते हैं उसके साथ साथ जो मॉडर्न के जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन है जैसे कि ग्लाइकोमेट बोल सकते हैं कौन सी भी दवा उनका डोज भी कम करने के लिए डायबिकॉन डीएस आप जोड़कर उसके साथ साथ दे सकते हैं Helps to the of आप तो डायबिटिक न्यूरोपैथी है डायबिटिक किडनी खराब हो जाती है गुर्दे की शिकायत तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं तो ये सब प्रिवेंट करने का काम ये डायबिकॉन डीएस जरूर कर सकता है इम्प्रूव द कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म फिलहाल एक ध्यान में रखिए कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट मेंट टू बी यूज्ड एज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज आप तो जानते हैं कि डायबिटीज कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं मत कहना कि मेरा डायबिटीज सर क्योर हो जाएगा बिल्कुल नहीं डायबिटीज एक बार हो गया तो क्योर नहीं होता वो कंट्रोल में रह सकता है आपको तो माने कि 50 साल की उम्र में आपको डायबिटीज हो गया तो आप 100 इयर्स तक जी सकते हैं फिर कंट्रोल्ड कंट्रोल ये शब्द महत्वपूर्ण है उसको निकाल देने की मतलब बात कभी मन में नहीं आनी चाहिए इससे मेरा डायबिटीज चला जाएगा ऐसे नहीं हो सकता आपकी शुगर कंट्रोल में है तो जैसे चला गया ऐसे ही है आपको मिनिमम टैबलेट लेनी पड़ती है कुछ टेबलेट लेने की भी जरूरत नहीं है सिर्फ खाने पान परहेज रखकर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है, तो कितनी अच्छी बात है तो ये तीन चीजें होती हैं आहार विहार और औषधि मतलब डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ये दवा लेनी पड़ेगी और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी आप कभी भी ऐसे आयुर्वेदिक सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं तो हमेशा ग्लूकोमीटर आपके पास होना चाहिए उसके साथ साथ आप ये देखिए यहां पर लिखा है मैंने इसका डोज लिखा है टू टैबलेट्स टू टाइम्स अ डे वन डे फॉर मिनिमम वन मंथ ऐसा लेना चाहिए आपको डायबिकॉन डीएस मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ तो उसका डोज थोड़ा कम होता है वन बी सिर्फ डायबिकॉन टैबलेट ली तो दो गोली दो दफा दे सकते हैं डायबिकॉन डबल स्ट्रेंथ वाली ले ली तो आपको एक गोली दो दफा लेनी है डीएम डायबिटीज मेडिटस की मैनेजमेंट वहां पर लिखी है मैंने डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस मेडिसिन आहार विहार और औषधि ऑलवेज एडजस्ट द डोज उसका जो वन टीडीएस वन बीडीज जो डोज एडजस्ट करना पड़ता है वो हमेशा बार बार जितनी दफा आप मतलब आ, कर सकते ग्लूकोमीटर से घर घर से ही आप अपनी खुद की शुगर देखिए और उसके अनुसार हमारा जो डोज होता है वो एडजस्ट करना पड़ता है ऐसा फिक्स हरेक हरेक को को ऐसा डोज हर हर एक एक आदमी को 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 उम्र व्यक्ति नहीं हो सकता जैसी आपकी शुगर है ब्लड में उसके अनुसार ही आपका डोज हमेशा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बोलेंगे सर ये टेबलेट कहां पर मिलेगी घर बैठे बैठे आप क्लिक ऑन द लिंक दिस लिंक इज गिवन गि इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू हैव टू जस्ट क्लिक द लिंक डिमांड फॉर द मेडिसिन एंड ट्राई फॉर एटलीस्ट वन टू थ्री ओके So, anybody of you having any health problem, just WhatsApp me on nine two two six eight जैसे भी कैसे भी मैं मेडिसिन के वीडियोस बनाता हूं और आपको अपील करता हूं कि ये मेडिसिन इसके ऊपर है तो एक बात मैं हमेशा डिस्क्लेमर नाते से आपको बता देना चाहता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों आप मेरा ये हर एक वीडियो तो लाइक शेयर करते ही उसी तरह लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल जो आयुर्वेद अकेडमी वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ क्या करना है आपको जो बेल बटन है वो प्रेस करना है तो आपको आगे आगे अच्छे अच्छे जो मेडिसिन डिसीजेस उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक मैं बोलता हूं स्वस्थ रहो खुश रहो आई विश ऑल द बेस्ट टेक केयर एंड सी यू